आने वाले दिनों में एक छोटी फिल्म रिलीज हो रही है, खाप। इट्स एन इशू बेस्ड फिल्म, अ वेरी वेल इंटेंशनड फिल्म। खाप नाम से ही आप समझ गए होंगे, खाप के ट्रेलर्स भी आपने देखे होंगे। और ऐसे इशू बेस्ड फिल्म के बारे में एक चीज कहना पड़ेगा, दैट जनरली द स्टार कास्ट कंप्राइजेस वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, एंड इन टैलेंटेड एक्टर्स में से एक रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट आज हमारे साथ है, ओम पुरी साहब। एंड ऑल्सो वी हैव द वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, अजय सिन्हा। अजय सिन्हा का नाम आपने टेलीविजन की दुनिया में खूब सुना होगा, हसरते अस्तित्व जैसे सीरियल्स इन्होंने बनाए हैं, एक आध फिल्में भी बनाई हैं, बट खाप इज वॉट इज ड्यू फॉर रिलीज इन द कमिंग डेज। सो लेट्स मीट देम। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। धन्यवाद अजय जी। मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले तो ये इतना बर्निंग टॉपिक, ये आपने कैसे सोचा इस पर फिल्म बनाई जाए? इट इज अ टॉपिक दैट हैज टेकन इंडिया बाय स्टॉर्म। एक्चुअली मैंने अखबारों में कुछ खबरें पढ़ी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया टू बिलीव मी कि मेरे पास और भी स्क्रिप्टें थी जिसपे मैं फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन सबको मैंने किनारे रख के सोचा कि मुझे इस पे फिल्म बनानी है सबसे पहले। पर इसमें ऐसी क्या बात है कि आपको लगा कि इसमें इट विल लेंड इटसेल्फ टू मेकिंग अ फिल्म? मतलब एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि प्यार करने वालों को मार दिया जाए जस्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम द सेम विलेज, सेम खाप, और मे बी सेम गोत्र। तो मुद्दा अपने आप में इतना अहम है कि प्यार करने की सजा किसी भी हाल में मौत तो नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि ये तो ऐसा मुद्दा है कि अमल तो प्यार करने की सजा ही नहीं होनी, सजा नहीं होनी चाहिए, प्यार करने की सजा तो होनी नहीं चाहिए, वो भी मौत। तो मुझे लगा कि दिस कैन रियली मेक द एंटायर वर्ल्ड मूव एंड लुक एट इट कि ये क्या है। जनरली ऐसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स डोंट फाइंड इट वेरी इजी टू गेट फाइनेंस। आपको भी तकलीफ हुई? बिकॉज लोग चाहते हैं कि वेरी एस्केपिस्ट सिनेमा हो, इशू बेस्ड सिनेमा हो, तो फिर बायर्स नहीं मिलते हैं, रिलीज में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिड यू फाइंड एनी सच प्रॉब्लम्स? नहीं, मतलब प्रॉब्लम यही है कि अपना सब कुछ दांव पे लगा के बनाया मैंने। अच्छा जी। मगर आपके प्रोड्यूसर्स हु आर फंडिंग द फिल्म? माय वाइफ एंड माय सन, दे आर फंडेड द फिल्म। अच्छा, तो मतलब घर की बात ही है। जी जी। और दांव पे लगाना आपको, मतलब यू लाइक टू टेक एडवेंचरस रिस्क और वॉट इज इट? हाँ, मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ही जी है जिंदगी मैंने। तो अब अगर आप हसरतने के जमाने से देखें तो तब से हमेशा एक रिस्क खुद ही लिया है। शायद अपना हर किसी का एक नसीब होता है, तो मेरा नसीब ऐसा ही है कि जब तक खुद ना करो कुछ होता नहीं। क्या बात है। और नसीब तो बहुत अच्छा है, टेलीविजन की दुनिया में आपने इतना नाम कमाया है। पुरी साहब, आप इस फिल्म से कैसे जुड़े? अजय सिन्हा बहुत पहले मेरे थिएटर ग्रुप में थे, मजमा, जब मैं शुरू में यहाँ आया 80s में, 79-80। और उसके बाद फिर ये जाहिर है अपने काम में मसरूफ हो गए और उन्होंने टेलीविजन में इतना बड़ा नाम कमाया। और अब इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि खाप नाम की फिल्म, बल्कि नाम मैंने सजेस्ट किया इनको कि आप अच्छा खाप टाइटल रखिए, क्योंकि खाप लोगों के जहन में है। Exactly. लोगों को पता इमीडिएटली चलेगा कि क्या, किसके बारे में है फिल्म। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। और अखबारों में रोज आता है। Correct. अभी भी किस्से हो रहे हैं। Correct. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इस तरह के जुल्म में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन और फिल्म में आप भी इन्वॉल्व हैं? फिल्म में मैं इन्वॉल्व हूँ, मैंने एक अहम भूमिका इसमें निभाई है। और मेरा किरदार जो है वो एक सरपंच का है जो खाप में विश्वास रखता है। Exactly. लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप भी इन्वॉल्व उस डायरेक्शन में हैं। जी जी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत है। जी। और उसके दौरान, फिल्म के दौरान जो घटनाएं होती हैं, जो आर्गुमेंट्स होती हैं, उनका बेटा जो है वो उनसे नाइतफाकी रखता है और वो घर छोड़ के चला गया था बहुत साल पहले, और वो एक NGO बन के वापस उस गाँव में आता है एक केस को इन्वेस्टिगेट करने। ओके। तो बाप से आर्गुमेंट होती है, बाप कहता है कि देखो हम सरकारें गिरा सकते हैं, हमारे में इतनी ताकत है, हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में जब बेटा ही सैक्रिफाइस हो जाता है, बेटा ही मारा जाता है इस पूरे झंझट में, तो बाप के मन में फिर बदलाव आता है जब खुद पे पड़ती है तो, और वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर हो जाता है अंत में। अच्छा जी, मुझे ये बोलिए, ऐसी फिल्मों को रिलीज करने में कितनी दिक्कत होती है? जनरली कभी कभी ऐसे होता है कि फिल्में बन तो जाती है, जैसा आपने कहा मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है, मगर रिलीज के वक्त
टू सेल इट टू अ कॉर्पोरेट और टू गो टू अ कॉर्पोरेट. अव्वल तो कॉर्पोरेट्स डोंट लाइक बाइंग सच फिल्म्स, सो देन यू हैव टू गेट इन टू पार्टनरशिप विद द कॉर्पोरेट्स, या फिर आपको चलाने के लिए देनी पड़ती है, जैसे हम फिल्मी पार्लांस में कहते हैं कि कुछ एडवांस मिलता है, शायद एडवांस भी नहीं मिलता है. उसमें कितनी दिक्कतें आई? एक्चुअली देखें तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने जब टटोलने की कोशिश की कि बाजार में क्या सिचुएशन है, तो ये पता लगा कि किसी को इस बात में दिलचस्पी नहीं है. तो फिर मैंने कहा जब इतना खेला है तो थोड़ा और खेलते हैं, तो रिलीज भी हमने खुद ही की. अच्छा, तो परसेप्ट के थ्रू आप रिलीज कर रहे हैं? हाँ, मतलब बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इस रिलीज में. करेक्ट. तो मुझे किसी ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो रिलीज करना जानते हैं, okay. कैसे क्या करना है. तो दैट मींस रिस्क, ये कहना सही होगा कि रिस्क 100% आपका है? जी. और 100% को क्वांटिफाई करें तो कितना पैसा लग गया है आपका? फिल्म इज कॉस्टिंग अराउंड 5 करोड़. बाकी जो रिलीज, मतलब रिलीज और प्रमोशन का अलग. हाँ.